नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में सीतामढ़ी सीट की। यहां से 2019 में कौन बनेगा सांसद। लक्ष्मणा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिथिला का केंद्र है। यह जनक पुत्री सीता की जन्मस्थली माना जाता है। देवी सीता के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सीतामढ़ी पड़ा। वर्ष 1952 के पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रसोपा के टिकट पर आचार्य जेपी कृपलानी ने यहां से जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में एनडीए की ओर से रालोसपा के टिकट पर रामकुमार शर्मा सांसद चुने गए। उन्होंने राजद के सीताराम यादव को शिकस्त दी थी। एनडीए से जदयू ने इस बार पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू को मैदान में उतारा है। महागठबंधन से राजद ने पूर्व सांसद अर्जुन राय को मैदान में उतारा है। बता दें कि जदयू ने पहले स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर वरुण को टिकट दिया था, हालांकि 10 दिन के बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब आनंद फानन में बीजेपी विधायक को जदयू में शामिल करवाकर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। अगर बात करें यहाँ की मतदाता की, तो 17,38,001 मतदाता यहाँ है। जिनमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,20,566, वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 8,17,368 महिला मतदाता है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। सीतामढ़ी, रून्नी सैदपुर, बाजपट्टी, रीगा, बथनाहा, परिहार और सुरसन। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 6 सीटों में से बीजेपी और आरजेडी को दो दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि एक एक सीट जदयू और कांग्रेस के खाते में गई। 2014 में हुए चुनाव में सीतामढ़ी से एनडीए के सहयोगी के रूप में आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा कुशवाहा विजयी रहे थे। उन्हें 4,11,265 वोट मिले और उन्होंने आरजेडी के सीताराम यादव को शिकस्त दी। सीताराम यादव को 2,63,300 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर जेडीयू के अर्जुन राय थे। अब बात करें 2019 की कि यहां से इस बार कौन बनेगा सांसद। सुशील कुमार पिंटू और साथी अर्जुन राय और बाकी और कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से तथा निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कौन यहाँ से 2019 में बनता है सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।